ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स की, जो कि लोग जनरली मिस कर देते हैं। जैसे कि तुमने चैप्टर पढ़ ही लिया होगा और बहुत सारे तुमने फॉर्मूलाज देखे होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने देखे होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बने होंगे। जैसे सिंपली अगर तुम देखते हो x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है, क्योंकि इसको हम चैप्टर में बार बार लगा लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, और जो बेसिक बेसिक सवाल होते हैं हमारे, रिमाइंडर निकालने वाले सवाल हो गए, मिडिल टर्म निकालने वाले सवाल हो गए, नंबर ऑफ टर्म निकालने वाले सवाल हो गए, जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो हमें याद रह जाती हैं। बट इस पूरे चैप्टर में से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ परसेंट पार्ट ऐसा होता है जो कि हम भूल जाते हैं अगर हम पर्टिकुलरली मतलब रेगुलरली इसको रिवाइज ना करें। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर है, और इसमें से जितना भी ऐसा पार्ट होता है जो कि लोग जनरली भूल जाते हैं उसको मैंने फिल्टर आउट करके अलग जगह पे स्टोर कर लिया है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कम टाइम में वो चीज़ें जिसमें से कि आप काफ़ी सारी खुद भूल चुके होंगे आप यहाँ पर देख पाओगे। और कमेंट सेक्शन में इनमें ज़रूर ये बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ थी इनमें से जो आप भूल चुके थे, या फिर आपको थोड़ी सी याद थी, या फिर आपको बस थोड़ी सी याद नहीं थी। ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मैंने डाला है बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर एनी इंडेक्स के फॉर्मूला को, जो कि होता है हमारा इसके बराबर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है 1 + nx मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक आप इसे चलाना चाहते हो, मतलब जिस भी एक्स की पावर तक अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पर एन की वैल्यूज हम फ्रैक्शंस में भी डाल सकते हैं, लाइक एन की वैल्यू हम 1/2 भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट -1/2 भी डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, और कुछ सवालों में ये कई बार आ जाता है और लोगों को याद नहीं रहता है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ही एक जनरल एक्सप्रेशन जो है तुम बना के लिख सकते हो। सिंपली यहाँ पर देखें तो हम एक जो है एन माइनस के का टर्म इंक्रीज होता जा रहा है कंसेक्यूटिवली, जिसमें के की वैल्यू कंसेक्यूटिवली इंक्रीज होती जा रही है, और नीचे फैक्टोरियल भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि एक्स की पावर के सिंक में है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, और नहीं याद था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर एनी इंडेक्स। और इस फॉर्मूले के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये हम तभी लगाते हैं जब हमारा एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, कहने का मतलब मॉड एक्स जो है वो आपका 1 से छोटा होना चाहिए। ये मुझे लगता है ना जेई मेंस में काम आएगा, बट एडवांस वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अच्छा सवाल जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसको तो फिर इस फॉर्मूले को ही लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, तो इस पॉइंट को तो और भी लोग इग्नोर कर देंगे। तो अगला फॉर्मूला हमारा इस सवाल का ही होने वाला है। बेसिकली अपने आप में एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चैप्टर में। तो आपको जैसे कि दे रखा है a + b + c की पावर n, और आपको कोफिशिएंट बताना है a की पावर r1 × b की पावर r2 × c की पावर r3 इसके एक्सपेंशन में। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंशन आएगा इसका कुछ इस पूरी बड़ी सी चीज़ का, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है ना, ये मल्टीनोमियल हो गया। यहाँ पर ए बी सी तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, पर फिर भी इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है। और इसके एक्सपेंशन में हम अपनी जेईई की दुनिया में कुछ पर्टिकुलर टाइप के टर्म्स के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे इसके एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म आएगा जो कि ए की पावर आर वन, बी की पावर आर टू और सी की पावर आर थ्री होगा। तो आपको बताना है सिंपली उसका कोफिशेंट क्या होगा। यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि आपका ये जो r1 + r2 + r3 है वो आपका n के बराबर होना चाहिए। n आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर पावर दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा n·r1·r2·r3 है ना। इतना आसान है इसका जो आंसर है, इसका फॉर्मूला सिंपली n·r1·r2·r3 सबको फैक्टोरियल में अरेंज करके डिवाइड मारना है। ये आपका बेसिकली कोफिशिएंट हो जाएगा इस बड़े से टर्म के एक्सपेंशन में a की पावर r1, b की पावर r2, c की पावर r3 का। तो इसको याद रखना, ये भी काफ़ी लोग भूल जाते हैं क्योंकि पीछे कोने में दिया होता है, ये याद नहीं रहता है। जिसको याद नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अगले फॉर्मूले की तरफ पढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c + d की पावर n। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ही यूज़ होता है, ये भी मल्टीनोमियल में आ गया, क्योंकि अब हम a + b की पावर n के साथ डील नहीं कर रहे, हमने a + b के साथ c + d + e + f और टर्म्स जोड़ते जा रहे हैं, तो ये मल्टीनोमियल हो गया एक तरह से। बाय की जगह मल्टी, दो की जगह दो से ज़्यादा, तो इसका भी एक हमारा स्ट्रेट फॉर्मूला होता है। हालांकि इसके फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं, समझ के भी कर सकते हैं अगर किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, बट हाल फिलहाल हम डायरेक्ट फॉर्मूले को देख रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम भूल गए होंगे। तो इसका आंसर होता है n + r − 1 c r − 1। अब यहाँ पर r क्या है ये देख लो, r जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि यहाँ पे दे रखे, जो कि इस केस में हमारा 5 है, तो इस केस में r - 1 जो है 5 - 1 हो जाएगा।
और एन की वैल्यू तो इन लोगों ने एन ही दे रखी है तो एन ही रहेगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर ई के साथ में ई प्लस एफ भी कर दूँ तो आर की वैल्यू जो है हमारी 6 हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें आर की वैल्यू 5 है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस 5 माइनस वन दैट इज 4 सी, 4 माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके सॉरी सॉरी 3 कहाँ से आ गया, 5 माइनस वन ही आएगा क्योंकि सी आर माइनस वन था और आर की वैल्यू 5 थी। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने तीन फॉर्मूले ऊपर देखे हैं तीनों को ढंग से याद रखना और आगे आने वाले भी। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस फॉर्मूला है, खोल के भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट खोल के ना इसको डिराइव करने में आपको कुछ सेकंड्स लग जाएंगे, 15, 20, 30, 40, 50, 60 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या है, और उसमें आप टाइम वेस्ट कर दोगे। बट जो लोग बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं उनको ये डायरेक्टली याद रहता है। ये बेसिकली दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और ये इनका रेशियो है, दैट इज एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन। तो इसको अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ज़्यादातर लोग 90% लोग इसको ज़्यादातर याद नहीं रखते, मतलब उन 90% की बात कर रहा हूँ जो कि यही निकाल लेते हैं, वो इसको डायरेक्टली याद नहीं रखते हैं क्योंकि ये वैसे भी डराया हो जाता है बट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये एक बड़ी टाइम सेविंग चीज़ हो सकती है आपके लिए, नहीं याद था तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगली जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हो सकता है चीज़ों को थोड़े से काफ़ी लोगों को उसके ग्लिम्स याद हो थोड़े से, बट स्टिल ये नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम्स के सवालों से थोड़ा दूर रहती है ये चीज़, तो भूल जाते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद होगा आई प्लस एफ करके बाइनोमियल थ्योरम्स हमारे सवाल होते थे। इस तरह के सवाल आपके जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं और अब तो जेई मेंस में बहुत सारे सवाल आते, तो इसके बहुत सारे चांसेस है कि इससे रिलेटेड सवाल भी आए, पर लोग इसको भूल जाते हैं क्योंकि चैप्टर में इसके सवाल बहुत ज़्यादा कम प्रैक्टिस कराए जाते हैं तो ये छुप जाता है। तो इसको हम वापस से रिवाइव कर लेते हैं कि मैं किस सवाल की बात कर रहा हूँ, किस टाइप के सवालों की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको सीधे सवाल करके ही बताऊँगा, है ना। तो ये जो आई प्लस एफ वाला कंसेप्ट या वाला सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं सवाल करके ही बताने वाला हूँ। तो सवाल ले लेते हैं गेम में। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 + √3 की पावर n, है ना, n की यहाँ पर हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये आपका आई प्लस एफ के बराबर है, जहाँ पर आपका आई एक इंटीजर है और एफ जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, बॉक्स प्लस ब्रैकेट, अलग तरह से मतलब रिप्रेजेंट करके भी सवाल को दिया जा सकता है। तो घूम फिर के कहना चाह रहा है कि भाई ये 2 + √3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो एफ है और इंटीग्रल पार्ट जो है वो आई है, और आपको सिंपली ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि 1 - f × i + f जो है 1 के बराबर है। आई प्लस एफ तो ये पूरा नंबर खुद ही हो गया, है ना, और 1 - f मतलब इसके फ्रैक्शनल पार्ट में से अगर मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं एक में से घटा दूं और इसमें से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ तो हम ये सवाल सीखने वाले, सॉल्व करने वाले, बट इस सवाल को करते करते हम काफ़ी सारी चीज़ें निकालेंगे, काफ़ी रिजल्ट्स निकल के आएंगे। उन रिजल्ट्स को हमें याद नहीं रखना है, बट उन रिजल्ट्स को निकालने के तरीके को हमें याद रखना है। वही तरीके जो हैं और सवालों में काम आते हैं जो कि आई प्लस एफ वाले कंसेप्ट को यूज़ करके बनते हैं। मतलब ये सवाल आपके लिए इनफ होगा चीज़ों को जानने के लिए, ये मैं श्योर कर सकता हूँ, बट कोई और नया सवाल आए उसमें आपको एक कंसेप्ट लगाना खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम जो चीज़ें भूल चुके हैं उन्हें याद कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना करना क्या होता है, ये आपका 2 + √3 / n दे रखा है और ये आपका आई प्लस एफ के बराबर है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसको अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास NC02 / n और √3 / 0 आएगी, तो फिर उसको 1 ही रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं, और आगे की सीरीज में लिख देता हूँ, ये तो आपको याद ही होगी। अब यहाँ पर हमने 2 + √3 का जो एक्सपेंशन लिख लिया, अब इसका एक भाई होता है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं आई प्लस एफ वाले सवालों में, दैट इज इसी के बीच में माइनस का साइन लगा दो, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 - √3, है ना। तो ये इसका एक तरह से भाई है। अब हम इसको भी एक्सपेंड करके ठीक इसके सामने लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 - √3 जो है वो किसके बराबर होता है अप्रॉक्स, अगर आप देखो तो 2 - 1.732, ठीक है, और ये बेसिकली आपका कोई फ्रैक्शनल नंबर आएगा जो कि एक से छोटा है, कोई एक से छोटा है उसकी पावर अगर आप एन कर दोगे तो वो आपको एक ऐसा नंबर ही देगा जो एक से छोटा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो है एक से छोटा उसको हम लिख सकते हैं एफ डैश के बराबर, मतलब ये एक फ्रैक्शन के बराबर है जिसको मैं एफ डैश बुला रहा हूँ, है ना। इसको मैंने आई प्लस एफ नहीं लिखा क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट ऑलरेडी जीरो है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में पूरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर इंटीजर फ्रैक्शन ही देगा, या फिर बोलूँ 1 से कम की पावर इंटीजर 1 से कम ही देगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे आई प्लस एफ के बराबर नहीं लिखा, इसे मैंने एफ डैश के बराबर लिखा है, है ना। दोनों का एफ एफ अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ डैश लिखा है और यहाँ पर एफ लिखा था। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो जाएगा आई प्लस एफ डैश,
और राइट हैंड साइड पे देखो क्या होने वाला है। देखो ये दोनों टर्म्स तो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे और डबल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, क्योंकि बराबर है और साइन अपोजिट है, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसके बाद जो अगला आएगा जिसकी जिसमें रूट थ्री की पावर जो है थ्री होगी, वो भी एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा पर साइन अलग होगा। ऐसे ही टर्म्स जुड़ते कटते जाएंगे एक दूसरे से और जो हमारी अल्टीमेट सीरीज निकल के आएगी वो होगी ये। तो यहाँ पर हम कमाल की चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जितने भी ऐसे टर्म्स थे जिसमें रूट थ्री की इवन पावर्स आ रही थी वही रह गए, बाकी सब कट गए। जिसमें रूट थ्री की ऑड पावर आ रही थी वो चले गए, और जिसमें रूट थ्री की इवन पावर आ रही जैसे रूट थ्री की पावर टू, रूट थ्री की पावर फोर, अगला आएगा रूट थ्री की पावर सिक्स, वही रह गए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा हिसाब किताब हमारा निकल के आया ये एक इंटीजर है, है ना, और टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर एक इंटीजर ही होता है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा आई प्लस एफ प्लस एफ डैश जो है वो एक इंटीजर के बराबर है। अब ध्यान रखना, सारा खेल जो हमने खेला ऊपर तक वो सिर्फ यहीं तक पहुंचने के लिए था। यही पर्टिकुलर चीज हमें बार बार बहुत सारे सवालों में निकालनी होती है, उसके बाद सवालों को थोड़ा रुख बदल जाता है, बट जो हमने अभी तक किया है वो तो हमें ढंग से समझ आ जाना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, हमने टू प्लस रूट थ्री का एक्सपेंशन लिखा, टू माइनस रूट थ्री का लिखा, दोनों को क्रॉस कैंसिल कर दिया। हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया था आई प्लस एफ प्लस एफ डैश, और राइट हैंड साइड पे जो क्रॉस कैंसिल करके हिसाब किताब हमारा वो एक इंटीजर बन गया, है ना। तो हम इस चीज का यूज करने वाले हैं कि जो एक्सप्रेशन हम सामने देख रहे हैं जिसमें कि एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो एक इंटीजर मिल जाएगा, है ना। इसका यूज करके हम बड़ी बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके अपने सवाल को प्रूव कर देंगे। ध्यान से देखना, अगर ये आपका पूरा इंटीजर के बराबर है तो ये इंटीजर है, है ना, ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। तो एक इंटीजर और दो फ्रैक्शन को मिला के जब इंटीजर बनता है, इसका मतलब यह है कि ये जो दो फ्रैक्शन है इनको ऐड करके अपने आप में एक इंटीजर मिल रहा है ना। यानी कि इनको ऐड करके एक दूसरा इंटीजर मिल रहा है जिसको मैं आई वन बोल देता हूँ, क्योंकि दो इंटीजर जब एक दूसरे में ऐड होंगे तभी तो इंटीजर मिलेगा। अगर ये दोनों मिला के एक फ्रैक्शन बना रहे होते तो फिर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इंटीजर कैसे दे देता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f प्लस एफ डैश जो है वो एक इंटीजर है। पर एक चीज़ हमारे सामने ये भी है कि भाई जो हमारा f है और f डैश है वो दोनों ही वन से छोटे हैं और जीरो से बड़े हैं ना। फ्रैक्शन यहीं से तो यहीं तक होते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो से वन तक ही तो होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f प्लस एफ डैश जो है उसकी वैल्यू जीरो से लेके टू तक के बीच में रहेगी, टू नहीं हो सकती बट जीरो से लेके टू तक, टू को अप्रोच करेगी। तो आपको बताना है जीरो से टू के बीच में एक इंटीजर होता है तो एक ही बता सकते हैं वैसे तो वन। इसका मतलब अगर f प्लस एफ डैश को इंटीजर होना है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज वन। यानी कि f प्लस एफ डैश हो गया हमारा वन के बराबर। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई f प्लस एफ डैश इक्वल टू वन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि f डैश इक्वल टू वन माइनस f। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ क्योंकि इसको हम थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था आई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एफ। वन माइनस एफ की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि एफ डैश के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ डैश रख दूं और आई प्लस एफ को आई प्लस एफ ही रहने देते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आई प्लस एफ की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, टू प्लस रूट थ्री और इसकी पावर एन ऑब्वियसली, और एफ डैश की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, टू माइनस रूट थ्री। एफ डैश एक फ्रैक्शन था ना, टू माइनस रूट थ्री हमने किया था जो कि वन से छोटा नंबर है, उसकी पावर एन वन से छोटी होगी इसलिए उसे हमने एफ डैश के बराबर मान लिया था। अब एक बार इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आ गया, ये दोनों वन के बराबर ही हैं। ये मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ कुछ लोगों अगर कंफ्यूजन हो तो, टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा फोर माइनस थ्री आएगा और इसकी पावर एन जो है तुम्हारी वन के बराबर आ जाएगी। ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। तो बेसिकली हमने पूरा हिसाब किताब जो इतनी सारी कैलकुलेशन करी वो सिर्फ ये जानने के लिए करी कि हमारा जो वन माइनस एफ है वो एफ डैश के बराबर है। इस तरह से ये पूरा सवाल जो है अरेंज था। तो इस तरह के मैनिपुलेशन आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे। मेन चीज़ ध्यान रखना कि 2 प्लस रूट थ्री हमें अगर दे रखा होता है तो हम 2 माइनस रूट थ्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है दे रखा हो 6 प्लस रूट फाइव, है ना, तो आपको 6 माइनस रूट फाइव का इस्तेमाल करना है, बीच में माइनस साइन लगा देना है और उसको f के बराबर मान लेना है, दूसरे f के यहाँ पर जैसे कि मैंने f डैश के बराबर माना था, और दोनों सीरीज को ऐड कर देना है। कई बार उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़े आपको, और फिर आपको एक साइड पे इंटीजर फॉर्म कर देना है, फिर इस बात का इस्तेमाल करना है कि आई प्लस एफ प्लस एफ डैश एक इंटीजर है, है ना। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको इस तरह के मैनिपुलेशन करके इस टाइप के सवालों को करना होगा सॉल्व। आई होप आपको याद आ गया होगा, और जिन लोगों ने पहले नहीं किए थे उन्हें पता चल गया होगा कि भाई इस तरह के सवाल भी होते हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं आता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। और साथ में वीडियो को एंड करते करते एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बायनोमियल थ्योरम्स की यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाई, तो
अलग अलग तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें थ्योरी पढ़नी है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें रिवीजन करना है ना। तो आप क्या चाहते हो, मैं इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए है ना, एक इंडिविजुअल बंदे से मेरा ये सवाल है, आपके लिए इसमें से कौन सी चीज़ बनाई पहले बनाई जाए, थ्योरी, रिवीजन या फिर प्रैक्टिस, या फिर अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, अगर आप क्लास 11th में हो या फिर 10th में हो, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तीनों ही चाहोगे। तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।